नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। रुड़की के बांधा रोड पर अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। हमले में इमरान का परिवार बाल बाल बचा। आरोपी और उसके साथी फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। वहीं पुलिस को मौके से 5 खोखे बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। हमले में इमरान का परिवार बाल बाल बचा। इमरान की तहरीर के आधार पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश दी, लेकिन आरोपी घटना के बाद से घर से फरार है। दरअसल 2 दिन पहले इमरान का मामूली कहासुनी को लेकर खुशनू त्यागी से झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। उस वक्त तो मामला निमट गया, लेकिन खुशनू त्यागी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। आज जब इमरान अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था, तभी खुशनू त्यागी अपने 3 साथियों के साथ इमरान के घर के सामने की छत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर घर में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। जब तक इमरान का परिवार घर के बाहर आया, तब तक आरोपी और उसके साथी मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद इमरान के परिवार और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं आरोपी फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और पीड़ित का बयान ले रही है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को पूछताछ में लोगों ने बताया 4 आरोपी बाइक पर आए थे, जो फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट पर लगी गोलियों की वीडियो ली। पहलवान है जो बता रहे हैं कि करीब आधा पौन घंटे पहले इनके घर के सामने की छत से इनके घर की तरफ फायर हुआ है और करीब 5 पिस्टल के फायर हुए हैं। इनके द्वारा 6 कारतूस भी बरामद करके उपलब्ध कराए हैं पुलिस को। इसके अलावा 315 बोर का कारतूस भी दिया गया है, जो नाली से बरामद हुआ है। इनका कहना है कि खुशनूर त्यागी नाम का एक व्यक्ति, जो कुछ दिन पहले इनसे झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के, उसके द्वारा घटना कारित की गई है। पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग थे? इनका कहना है कि 4 लोग थे, एक खुशनूर त्यागी और अन्य 3 लोग कह रहे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। भाई हम तो यहाँ बैठे थे और ऊपर से कोठे पर खड़े हो गए, आवाज़ आई तो एक लौंडा भाग के यहाँ बड़ा, तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने सोचा पता नहीं कौन है भाई, वो क्यों भागा आ रहा एकदम घर में। तो उसने कहा जी चाचा मैं नहीं कुछ भी कर रहा ना कुछ कर रहा, और देखो ऊपर कोठे पर खड़े हो गोली चल दी। तो मैं जब भाग निकल देखा तो एक तो खुशनूर त्यागी था और एक था वो लौंडा फिरोज का बागेश्वर। 5 गोली मारी उन दरवाजे में, 5 चौपार हो गई, 1 गोली मिली वहाँ पड़ी हुई। 315 कारतूस था दरोगा साहब ने लिया मारने के हिसाब से आए हुए थे। आज ही पहले भी 3 दिन पहले मारे भतीजा दूध खिला दिया था उन टक्कर मार के उस स्कॉर्पियो से, तो उसमें मार छेद भी हुई थी मारे में। फिर वो यहीं बैठ के बात को निपटा चला गया था। हमने कुछ करा ना उनने कुछ करा।